हाई एवरी वन दिस इज़ अतियाजाना पैन टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस काइंड अकॉर्डिंग टू दे फंक्शन कोई भी सेंटेंस जो आपके सामने से गुजरता है इसको आप पढ़ते हो या फ्रेम करते हो या बोलते हो तो भाई जितने भी सेंटेंसेज होते हैं इनकी जो कैटेगरी है वो बहुत ही बड़ी है ठीक है तो भाई फंक्शन के हिसाब से जो सेंटेंसेज होते हैं वो अलग होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग होते हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंसिस कि जो कैटेगरी रखी गई है वो समझाने जा रही हूं लेट्स गेट स्टार्ट कोई सेंटेंस क्या फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टोटल सेंटेंसेस होते हैं फोर पहला होता है डेक्लारेटिव सेंटेंसेस डेक्लारेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो डिक्लेयर करते हैं क्या डिक्लेयर करते हैं किसी भी फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं किसी भी सच को किसी के बारे में कोई चीज बताना फ़ॉर एग्जाम्पल मैं सेवन क्लास में पढ़ता हूँ रवि को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है महिमा अपनी कार साफ़ कर रही है तो वट एम आई टेलिंग मैं क्या बता रही हूँ मैं फैक्ट बता रही हूँ जो हो रहा है या किसी के बारे में कोई सच बता रही हूँ राइट right? तो ये जो फैक्ट्स होते हैं जो चीज़ें होती हैं जब हम किसी के बारे में डिक्लेयर करते हैं कि वो ऐसी है वो ऐसा कर रही है वो वहाँ जा रही है उसने ये किया राइट right? तो इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं डेक्लेटिव सेंटेंस वट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेंटेंस ये सेंटेंस का फंक्शन क्या है डेक्लेयर करना ठीक है डेक्लटिव सेंटेंसेस को हम एक और नाम से जानते हैं असर्टिव सेंटेंसेस असर्ट का मतलब भी वही हो, होता है जो डेक्लेयर का होता है यानी किसी के बारे में कुछ असर्ट करना कुछ कन्फर्म करना कुछ फैक्ट बताना तो डेक्लटिव और असर्टिव दोनों ही एक ही तरीके के सेंटेंसेस होते हैं अभी जो डेक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं या तो ये पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव को आप अफर्मेटिव भी कह सकते हो यानी फैक्ट जो आप बता रहे हो उसमें अफर्मेशन है पॉजिटिव पॉजिटिविटी है राइट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉट लगाओ तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं गिटार बजा सकता हूँ आई कैन प्ले द गिटार तो दिस इज योर पॉजिटिव सेंटेंस है ये असर्टिव ही असर्टिव के अंदर भी एक कैटेगरी हो गई पॉजिटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव तो अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है तो वहां पे आप कैसे आंसर करोगे असर्टिव ब्रैकेट में लिखोगे पॉजिटिव ओके सिमिलरली आई कैन नॉट प्ले द गिटार ये क्या हुआ ये भी असर्टिव ही है लेकिन असर्टिव के भी अंदर जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी कौन सी है नेगेटिव तो असर्टिव नेगेटिव असर्टिव पॉजिटिव यहाँ पर डेक्लेटिव अफर्मेटिव डेक्लेटिव नेगेटिव इन ब्रैकेट यू विल राइट केवल अगर आप डेक्लेटिव या देते हो तो भी सही माना जाएगा नेक्स्ट होता है सेंटेंसेस इंटरगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेट करते हैं तो कोई भी सेंटेंस अगर कुछ पूछ रहा है तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंटारगेटिव सेंटेंसेस ठीक है अब इंटरगेटिव सेंटेंस की भी कई सारी कैटेगरी होती हैं वो मैं आपको पढ़ाती हूँ सबसे पहली कैटेगरी इंटरगेटिव सेंटेंसेस की हो सकती है यस नो क्वेश्चन यानी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर केवल यस और नो में ही पॉसिबल है फॉर एग्जाम्पल आर यू अमेरिकन तो ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम तो अमेरिकन हो तो हो तो येस नहीं हो तो नो तो जिन क्वेश्चन का आंसर येस और नो में होता है बच्चा वो कहलाते हैं यस नो क्वेश्चन यस नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस सिमिलरली डू यू लाइक आइसक्रीम तो या तो आंसर होगा यस या फिर आंसर होगा नो राइट right? यू के नॉट से आई लाइक आइसक्रीम बिकॉज ये वो आपसे रीजन नहीं पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है डू यू लाइक आइसक्रीम तो येस और नो क्वेश्चन पहली कैटेगरी होती है इंटरगेटिव सेंटेंस की सेकेंड टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस आपको मिल सकते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होते हैं वॉट विच वेन वेर वाई ठीक है या फिर हाउ विच हु ये सब क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं या डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड्स पाए जाते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन इन वर्ड से बिगिन हो रहा है स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल वॉट इज योर नेम वे डू यू लिव इसका काइंड क्या होगा सेंटेंस का तो अगर आप सीधे लिखते हो इंटरगेटिव दैट्स करेक्ट लेकिन अगर आपसे और डिटेल पूछी जा रही है तो इंटरगेटिव के आगे आप लिख सकते हो डब्लू एच क्वेश्चन तीसरी कैटेगरी जो होती है इंटरगेटिव सेंटेंस की वो होती है क्वेश्चन टैग या फिर हम इसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन टैग का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप किसी स्टेटमेंट को कन्फर्म करने के लिए बोलते हैं ठीक जैसे यू आर पैट लवस यू तुम्हारा पैट तुम्हें बहुत प्यार करता है, है ना हैना तो जब हम लास्ट में हिंदी में कहते हैं हैना तो ये हैना मैं क्यों कह रही हूँ अपने ही स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला उसको कन्फर्म करने के लिए दूसरे से कंफर्मेशन लेने के लिए यदि मैं पूछ रही हूँ कि मैंने बात जो कही है, वो सच कही है ना तो इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टैग हमेशा छोटा सा होता है ठीक है तो जो स्टेटमेंट होगा उसका उसके आगे कॉमा करके क्वेश्चन टैग लिखा जाता है छोटा सा कैसे लिखे जाते हैं क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब एना पॉस्ट ऑपिटी लगाते हैं अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही रखते हैं तो डजेंट इट हैव दे इज शी आठ यू तो ये सारे जो छोटे 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 क्वेश्चन होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन टैग या फिर टैग क्वेश्चन नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है टारगेटिव की वो हो सकती है चॉइस क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर आपसे जो पूछा जा रहा है वो एक सिंगल वर्ड होगा आपको सेंटेंस में चॉइस दी जा रही होगी यानी एक ऐसा क्वेश्चन जो चॉइस कंटेन किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू गो टू सिंगापुर और बाली तो आप आंसर करोगे या तो सिंगापुर या बाली अंडरस्टैंडिंग सो ऐसे क्वेश्चन ऐसे इंटरेगेटिव सेंटेंस जिसमें चॉइस रखी होती है उसे कहते हैं चॉइस क्वेश्चन अनदर एग्जाम्पल कैन बी वुड यू लाइक कॉफी और टी सो यू कैन आइदर आंसर कॉफी या फिर आप आंसर करोगे टी तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं चॉइस क्वेश्चन तो भाई इंटरेगेटिव सेंटेंस के हमने कितने टाइप पढ़े फोर यस नो क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन टैग क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन ध्यान रखिए ये चारों के चारों जो टाइप्स हैं इन सब को आप इंटेगेटिव बोल सकते हो लेकिन अगर आपके टीचर ने आपसे कहा है कि आपको डिटेल में आंसर करना है तो फिर आप इंटेगेटिव सेंटेंस ना लिख कर चॉइस क्वेश्चन लिखोगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिखो यस नो क्वेश्चन लिखो टैग क्वेश्चन लिखोगे जब आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस नेक्स्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज इंपेरेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कमांड कर रहा है कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है कोई किसी को सजेशन दे रहा है एडवाइस दे रहा है तो उन सेंटेंसेस को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस इनकी पहचान ये होती है कि ज़्यादातर ये एक्शन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोज द विंडो कम हेयर ओके या फिर डोंट do से डो नाट से स्टार्ट सकते हैं डू नॉट गो देयर डू नॉट डू दिस या फिर प्लीज से स्टार्ट होते हैं ये सब दिखाते हैं कि कमांड दिया जा रहा है रिक्वेस्ट दी जा रही है या फिर एडवाइस दी जा रही है ओके okay? लास्ट जो काइंड होता है सेंटेंस का वो होता है एक्सक्मेटरी सेंटेंसेस एक्सक्मेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके जरिए हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और कैसी इमोशंस और फीलिंग जो हमारी सडन हमारे अंदर जागती है किसी भी चीज़ को देखकर अचानक से हमारे अंदर जो ख्याल आता है और उस ख्याल को हम एक सेंटेंस में एक्सप्रेस कर देते हैं ठीक है अचानक वाला होना चाहिए नॉर्मल नहीं कि हमने किसी चीज़ को देखा उसकी तारीफ करी नहीं जो सडन इमोशंस के साथ हमने जो सेंटेंस डिलीवर किया उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्मेटरी जैसे कितना बढ़िया आइडिया तुमने दिया है या कितना ब्यूटीफुल uh, पैरिट है तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सडन इमोशंस या सडन अचानक वाली जो फीलिंग्स हमारे मन में आती है वो हम एक्सप्रेस करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सलामेटरी सेंटेंसेज एक्सलामेटरी सेंटेंसेस ज़्यादातर आपको मिलते हैं व्हाट ए या वॉट एन करके व्हाट अ ब्यूटिफुल डायरी व्हाट अ नाइस गेम राइट या फिर आप शुरू कर सकते हो हाउ प्लस सम एडजेक्टिव हाउ ब्यूटिफुल शी इज़ हाउ वंडरफुल सारी इज़ राइट सो हाउ प्लस सम एडजेक्टिव या फिर वॉट प्लस ए वॉट प्लस एन और सम नाउन राइट right. इस तरीके से आपको एक्सप्लामेटरी सेंटेंसेस मिलेंगे और एक्सप्लाटरी सेंटेंस की पहचान होती है कि लास्ट में इनके एक्सप्लामेटरी साइन लगा होता है तो अभी जितना भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं एक एक्सरसाइज में एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड तो हमें यहाँ पे काइंड बताना है सेंटेंसेस का फर्स्ट सेंटेंस है इज इट गोइंग टू स्नो टूमोरो आप देख सकते हो उसका आंसर हमें एक करके दिया गया है और आंसर लिखा है येस नो क्वेश्चन तो आपसे वो पूछ रहा है कि इंटेराटिव सेंटेंस अगर है तो उसका भी अंदर क्या कैटेगरी है जो मैंने आपको चार कैटेगरी समझाई थी यस नो क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन टैक क्वेश्चन एंड चॉइस क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से आंसर करना है क्योंकि उसने खुद ऐसे ही आंसर कर रखा है ओके okay? तो सेंटेंस नंबर टू है न्यू लीव्स स्प्राउट फ्रॉम ट्रीज तो ये एक फैक्ट बताया जा रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है कोई सडन फीलिंग नहीं है कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है तो ये क्या है फैक्ट बताया जा रहा है तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे असर्टिव या डेक्लेटिव या फिर सीधे आप लिख सकते हो अफरमेटिव सेंटेंसेंटेंस नंबर सेंटेंस। 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 थ्री प्लीज हेल्प मी इम्पेटिव फोर्थ इज वेन विल द प्रोग्राम बिगिन ये डब्ल्यू एच यानी क्वेश्चन वर्षो स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करोगे हाउ वंडरफुली ही सिंग्स सडन इमोशन है लास्ट में एक्सलामेटरी साइन भी है तो ये एक्सलामेटरी सेंटेंस है नेक्स्ट इज आई वॉन्ट फॉलो ये एडवाइस अगेन आपको एक फैक्ट बताया जा रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है यू कैन राइट नेगेटिव डायरेक्टली और यू कैन राइट असर्टिव सेवेंथ इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है हाउ मैनी ओके हाउ मच ये भी आपका डब्लू एच वर्ड कहलाता है क्वेश्चन वर्ड कहलाता है सेंटेंस नंबर एट वॉट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द थीव्स अगेन वॉट आ रहा है तो यहाँ पर भी डब्लू एच क्वेश्चन आंसर होगा सेंटर्स नंबर नाइन्थ हर वी हैव वन द मैच एक्सलामेटरी साइन है एक्सलामेटरी सेंटेंस कहलाएगा

एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज थैंक यू फॉर वॉचिंग